अनबिलीवेबल, और ये तो मतलब जेन्युइन हो गया काम। इसका ओडोमीटर कैसे रीसेट होता है? ट्रिप ए ट्रिप बी। सो नाउ इट्स 0, ट्रिप बी को काउंट करेंगे। 10.0 की आउटसाइड टेम्परेचर 9 है, और ये अब रेंज शो कर रहा है कि 381 किलोमीटर चलेगी। सो लेट्स सी गाइस, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। और ट्रिप बी ट्रिप ए बिल्कुल रीसेट कर दिया, और ट्रिप ए जो है वो मेरी टोटल कैलकुलेशन होगा और ट्रिप बी जो अब का इवेंट है। सो लेट्स सी अब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये इतना मज़ा है ना, मतलब ऑटो से तो दिल रखमान रही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज की मेरी वीडियो बहुत अरसे बाद ये उबर करीम से रिलेटेड होने जा रही है, और इसमें जो बेसिक चीज़ है, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जी आपने उबर छोड़ दी है, आप अभी क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो अगली चंद वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत सारी और चीज़ें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मैंने अभी उससे रिलेटेड वीडियोस क्यों नहीं बनाई। ये वीडियो स्पेशली उबर करीम से रिलेटेड है, और जो पुराने कैप्टन्स या ड्राइवर्स हैं और इवन न्यू भी, जब पाकिस्तान में करीम और उबर आई थी तो लोगों ने बड़ी गाड़ियां, जैसे अभी ये है करोला, सो इससे रिलेटेड सेवेक वगैरह हर चीज़, मतलब बड़ी गाड़ी और अच्छी गाड़ियां भी रखी, और कंपनी ने पे भी बहुत किया, और लोगों को ये लग रहा था कि बस सब कुछ बहुत अच्छा है। बट सब कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज अपने लिए आती हैं, ये आपके लिए नहीं आती हैं। सो ये सोचना अब आपने है कि क्या आपको ये काम मज़ीद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपने करना है नहीं करना, ये अब आपने डिसाइड करना है। मेरी प्रायोरिटीज़ लाइफ में थोड़ी डिफरेंट हैं। मैं वो काम करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, ना कि मेरी वजह से और फ़ायदा कोई उठाता रहे उठाता रहे उठाता रहे। सो बीच में कॉल आ गई थी, मैं उबर करीम से रिलेटेड बात कर रहा था। देखिए, स्टार्ट में कंपनीज आई, बहुत फ़ायदा हुआ एंड ऑल दैट, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्कुल ड्रैग होती गईं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाला आ गया था साला। तो उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज ने अपना फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा, और उसकी वजह से फिर नुकसान होना शुरू हो गया हमें। और फिर बड़ी गाड़ी से हो गई छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी कैसी? मतलब इस तरह की, जो वो ये है, मतलब ये वाली, जैसे इस तरह की गाड़ी है, या वैगन आर शैगन आर, ये वो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पूरा नहीं हो रहा था। फिर मिनी, और फिर इवन लोग बाइक भी चला रहे हैं। बट बात कहाँ है, ये आपकी कंपनी है या आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? तो कंपनी हमेशा अपना फ़ायदा देखती है। अब कोविड के बाद बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, बोनस शोनस ख़त्म हो गया, अभी सो कॉल्ड ये बोनस शोनस दे रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा तो क्या किया जाए, इसका ऑल्टर क्या है? अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने प्लान्स बताऊंगा कि मैंने उबर करीम, अभी भी मेरे पास इनकी आईडीज़ हैं, मैं चाहूँ तो अभी भी चला सकता हूँ, बट क्या ये मुझे फ़ायदा देगी या मुझे नुकसान देगी, अब ये फैसला मैंने करना है, मैंने करना है या नहीं करना। सो जो चीज़ मेरे इख्तियार में है वो मैं कर सकता हूँ। तो बात ये है कि मैंने फिर इसको 20th मार्च 2020 मेरी लास्ट राइड थी, उसके बाद मुझे वो कोविड शोविड का चक्कर हो गया था एंड ऑल दैट। तो फिर क्या हुआ कि जी स्टक हो गए। अब सोचा कि क्या करें क्या करें, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताऊंगा कि मैंने अपने ऑल्टर में क्या किया। मैं कुछ ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जो बेचारे ये उबर करीम चलाते हैं और ऑल्टर में इनको समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल मार्च में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था मैं, हर चीज़ छिन गई,
बिल्कुल ज़ीरो हो गया। सो मैंने अपने आप को कम बैक कैसे किया, पैसे कैसे कमाए और ऑल्टर में कौन कौन से बिजनेसेस किए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बिजनेसेस लेकर आ रहा हूँ जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी वजह से आपको फ़ायदा होता है। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो आई एम सॉरी, ये अब ड्राइव करते हुए मैं बना रहा हूँ, सम टाइम बिल्कुल ही टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का भी, लेकिन मेरे लिए ये सब्सक्राइबर्स जो 800 के राउंड अबाउट हैं, ये मुझे बहुत अजीज़ हैं कि इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, ये वीडियो मेरी देखते हैं। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने जा रही हैं जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी चीज़ें आने जा रही हैं, और स्पेशली इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें, इधर कहीं आपको लिंक वगैरह आ जाएगा, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई एडवाइस कोई टिप लेनी हो तो इस हवाले से मैं आपको असिस्ट करूँगा इंशाल्लाह। सो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मैं उसमें अभी शिरकत के लिए जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर अब आप लोगों से मुलाकात बहुत जल्दी होगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।